नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम सरसेडा में खेत पर काम करने के लिए जा रही मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली नाले में पलट गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने 3 को मृत घोषित कर दिया। वहीं 1 दर्जन घायलों का उपचार किया जा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना में पिता और उसके दोनों बेटे काल के गाल में समा गए। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के साथ सभी घायल ललितपुर जिले के बताए गए हैं। कृषि वाहनों से मजदूरों को ढोने पर रोक के बावजूद भी आए दिन घटनाएं सामने आने से प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, गुरसराय थाने का क्या मामला? गुरसराय थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि सरसेंडा गांव में एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर गिर गई है, जिससे कुछ लोग दबे हुए हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी व उनकी टीम जाती है तो ट्रैक्टर ट्राली को हटवा कर घायलों को इलाज के लिए भेजा गया और साथ ही साथ इसमें मौके पे 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1 लोग हॉस्पिटल में आए हैं, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। इस प्रकार कुछ 3 लोग इसमें मृत्यु हुई है और जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।